सो हे एवरीवन, सभी को दिल से नमस्ते। इट्स मी चावली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे है और आज मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स गुवाहाटी। सुबह अभी हो रहा है 8:14। जा मारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया, पिकनिक पार्टी प्रोहिबिटेड। 1 जनवरी को अपना यहीं पे आके पिकनिक करते थे। बहुत दूर दूर से आदमी लोग आता था पिकनिक करने के लिए, लेकिन अभी तो पिकनिक बंद कर दिए हैं यहाँ पे। ये है गर्म पानी, यहाँ पे नो पार्किंग लिखा हुआ है। थोड़ा आगे चला जाता हूँ। सो ये है गर्म पानी। इस जगह का नाम गर्म पानी इसलिए पड़ा, मतलब आपका जो पानी है वहाँ पे एक स्विमिंग पूल की तरह है। वो पानी हर वक्त, एवरी मंथ मतलब गर्म रहता है। और एक हैंगिंग ब्रिज भी है। सो यही है, इसमें कभी अगर आप लोग दिमापुर की ओर जाते हैं या फिर कोई गलाघाट की ओर जाते हैं तो आके यहाँ पे घुस सकते हैं गर्म पानी में। रिजर्व जंगल के बीचों बीच है ये। तो ये गर्म पानी मतलब कैसा है मैं बता देता हूँ आपको। क्या है, एक स्विमिंग पूल का जैसा बना हुआ है वहाँ पे। और आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो मतलब आप अगर हाथ लगा के देखेंगे तो गर्म पानी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गर्म दिन है बोल के गर्म पानी है। आप अगर ठंडे दिन में भी आते हैं तो ठंडे दिन में भी आपको गर्म पानी मिल जाएगा यहाँ पे। तो मतलब एनी टाइम नेचुरल गर्म पानी यहाँ पे निकलते रहता है। कल रात को बहुत ज़ोर से बारिश हुआ था, पूरा सब चारों ओर, मतलब देखिए इधर पेड़ पड़ा हुआ है। कॉफ़ी है ना चाय? कॉफ़ी दे दीजिए। कॉफ़ी पी लेता हूँ, थोड़ा नींद उतर जाएगा कॉफ़ी पीने से। और लास्ट टाइम मैंने इसी दुकान से पेड़ा लेके गए थे जब मैं गुवाहाटी से सिलोनीजान जा रहा था। तो यहीं से मैंने दीदी के लिए और मेरा आंट के लिए पेड़ा लिए थे। उन लोगों को खा के काफ़ी अच्छा लगा। अभी फिर मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ तो वापस मैं फिर इसी दुकान से पेड़ा लेके जाऊँगा। आप लोग भी विजिट करने से ज़रूर से यहीं से ले लीजिएगा। ये भैया का नाम क्या है आपका? नरेश जयसवाल। भैया का नाम नरेश जयसवाल है। और शायद पिछले वाला ब्लॉग में मैंने उनका शॉप का नाम भी दिखाया था। अभी फिर से देखा जाता हूँ, ये वंदना स्वीट। सो अभी चाय वाय पीते हैं, चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी वॉफी पीते हैं, फिर मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। हर साल जब भी मैं वाटर फेस्टिवल में आता था तो जैसे आने के समय मैं इस मंदिर में प्रे करके आता था, वैसे ही जाने के समय मैं इस मंदिर पे प्रे करके जाता। पूजा कर लिए हैं, टिक्का लगा लिए हैं, अभी प्रसाद भी मिल गया है। कोई भी यहाँ से निकलते हैं तो सबको यहाँ पे पूजा करके जाते हैं। मैंने भी पूजा कर लिया है, अभी निकलते हैं यहाँ से। डोमेस्टिक एलिफेंट। सो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है NH37, न्यू NH715। इसका मतलब क्या है मुझे मालूम नहीं। शायद पिछला वाला NH37 था, अभी शायद न्यू NH715 हो गया। शायद ये रोड का जो नंबर है नेशनल हाईवे 37 था शायद पहले, और अभी न्यू नेशनल हाईवे 715 हो गया शायद, उसी का बोर्ड होगा। और मतलब अभी ये NH37 से NH715 हो गया है। ओके, इधर काफ़ी सारा गाड़ी पार्किंग है, मतलब कुछ तो ज़रूर निकला, क्योंकि ये कॉरिडोर है, यहाँ से आपको जानवर देखने को मिल जाएगा।
और मुझे दिख गया राइनो, वन हॉर्न राइनो। वो रहा वन हॉर्न राइनो, देखिए पानी के बीच बीच वन हॉर्न राइनो देखने को मिल गया। माय स्पीड 29, 30, कहाँ 43 दिखा रहा है, मेरा स्पीड 43 थोड़ी है, पीछे वाला का स्पीड 43 है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इतना बड़ा पहाड़ है। इतना सुंदर लग रहा है पहाड़, हरा 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 लग रहा है, हरा हरा। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ ढेकरागुड़ी ठीक है मोरीगांव का, वो नारियल पानी पीने के लिए अराउंड 210 किलोमीटर चला लिए हैं। सुबह से मैंने कुछ पिया नहीं, आके बोकाखाट में एक कप कॉफ़ी पिया, फिर अभी आके ढेकरागुड़ी में आके नारियल पानी पी रहा हूँ। गला सूख गया चलाते चलाते। वे अपने पहुंच गए, पहुंचने वाले जोराबाद। जोराबाद के लिए 5 किलोमीटर बाकी है और ये अपने पहुंच गए अभी पहाड़ के रास्ते। ओहो फाइनली अपना पहुंच गए जोराबाद। गुवाहाटी वेलकम कर रहे हैं मुझे, यहाँ पे एक दो फोटो लेते हैं उसके बाद घर के ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है तो ज़रूर से बता दीजिएगा ताकि मैं उसको फ्यूचर में करेक्ट कर सकूँ और दोबारा वो मिस्टेक ना करूँ। तब तक के लिए आज बस यहीं पे रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।